हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इग्नू की आंसर शीट ही लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी को एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है। आप एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखें ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। इस स्टूडेंट की मैं आपको आंसर शीट भी दिखाऊँगा। ख़ास तौर से इग्नू का, चाहे आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बी ए ऑनर्स हो, या आप कोई मास्टर डिग्री एमए का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो सेम इसी प्रकार से, इसी टाइप से अगर आप लिखेंगे तो मिनिमम मैं आपको कह सकता हूँ 70 प्लस मार्क्स या 80 प्लस मार्क्स भी आपको मिल सकता है। चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। और पूरी आंसर शीट मैं इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको इग्नू के एग्ज़ाम में ख़ास तौर से आंसर शीट में किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, उत्तर लिखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। पर देखेगा जैसे ये पूरी आंसर शीट है, अगर आप देखेंगे तो इस स्टूडेंट को कितना 64 मार्क्स मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने लिखा तो सही है, इन्होंने गलतियां क्या की वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरी मैं बताऊंगा कि आपको लगभग ऐसे लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखेंगे कि जैसे इनका जो पेपर था, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, बीए थर्ड ईयर का, बीपीएससी 143, भारत में राज्यों की राजनीति। पहली बात एक बार बता दूं कि आप सभी को सब्जेक्ट कोड जो होता है यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत लिखिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से आपको क्वेश्चन नंबर वन आपको स्टार्ट करना है। इस बात को मेरे ध्यान रखना कि इस प्रकार से आपको पेपर कोड या बुक का नाम मेंशन नहीं करना, लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो इन्होंने या लिखा प्रश्न नंबर तीन, चलो ठीक है आपने लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन भी इसको लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली क्वेश्चन नंबर थ्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्वेश्चन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही लिख रखी है। देखो एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर थ्री लिख दिया, इन्होंने लिख दिया, सबसे पहले आप उसकी भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन लिखे। देखो एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसका, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया है तो उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन लिखे, यानी आप उस आंसर में क्या लिखेंगे या उस क्वेश्चन में क्या बताएंगे उसको इंट्रोडक्शन में लिखना रहता है। 4-5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जैसे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ से एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम यहाँ पर बनाने का मतलब है कि सपोज कीजिए जैसे मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें 4 पार्ट हैं 5 पार्ट हैं, इस प्रकार से डायग्राम बना रखा। वैसे डायग्राम बनाने के कई सारे तरीके हैं, आप कई प्रकार से बना सकते हैं। ये डायग्राम बनाने से क्या होता है, एक तो टीचर को भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता जल्दी से पता चल जाती हैं, दूसरा इससे पेजेज भी भर जाते हैं। ठीक है, इस काम को आप ज़रूर कीजिए कि आप अपने बुक में डायग्राम बने। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उसके 4 कंपोनेंट हैं या उसके 6 पार्ट हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम बनाने से, टेबल बनाने से, फ्लो चार्ट बनाने से, फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें फ्लो चार्ट कैसे बनता है, वो भी मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखें, उसकी भूमिका क्या है, उसके बाद आंसर जब भी लिखें तो हेडिंग वाइज लिखें। देखो इन्होंने पहली जो हेडिंग बना रखी, जैसे आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण। और एक बात मैं बता दूं, देखो इन्होंने जो पूरी शीट लिख रखी है यहाँ से लाइन कर रखी है, बहुत सारे बच्चे लाइन ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और मेरा आपसे कहना कि आप सभी लोग इस प्रकार के लाइन ड्रॉ मत किया करें। ठीक है, खास तौर से इग्नू के एग्ज़ाम में, कोई और एग्ज़ाम आप किसी और यूनिवर्सिटी से लिख करके आ रहे हैं पेपर तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन खास तौर से यहाँ पर इसको ड्रॉ मत कीजिए। जहाँ तक मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन दूर मार देते हैं आप लोग, कुछ लोग तो पेज भरने के लिए मार देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने हेडिंग लिख दिया, दूसरे पेज हो गया, हेडिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है अगर आप देखोगे। तीसरा देखोगे यहाँ से अगला हेडिंग, जैसे इन्होंने सांस्कृतिक कारण बताया है, ठीक है, हेडिंग वाइज ही लिखना है जैसे इन्होंने लिखा। लेकिन एक बात देखोगे कि इनका यहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया, अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। तो दो इतना ही लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा कितने पेज लिखे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जैसे 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा,
तीन पेज लिखा है। एक तो मैं बता दूं, पहला ही क्वेश्चन आपने तीन पेज लिखा, कम से कम आपको चार पेज लिखना है। कितने पेज लिखना है? पहला पेज आगे पीछे की मैं बता रहा हूँ, चार पेज लिखना, मिनिमम चार तो लिखना ही लिखना है, चार से पाँच आप लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट चार पाँच लिखोगे, ठीक है। इसीलिए इनको 13-13 नंबर मिले, 64 मार्क्स मिला है, नहीं तो इनको 70-75 मार्क्स मिलता है। इन्होंने देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन भी लिख दिया, तो यहाँ पर आंसर जवाब लिख रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भी भूमिका आपको डालनी चाहिए थी, इन्होंने डाला। तो सबसे पहले भूमिका डालिए किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, उसके बाद आप जितने पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी भूमिका स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, भूमिका यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे पलायन के कारण क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय पलायन हेडिंग बना करके, जैसे पलायन के विषय क्या है, तो पलायन के विषय आपको पहले बताने चाहिए थे ना, जब आपने भूमिका को लिखा तो उसके बाद आप पलायन के विषय बता सकते हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब, आप डायग्राम भी बुक्स में बना सकते हैं, इस प्रकार से इन्होंने जो डायग्राम बना रखा है, आप इस प्रकार से जैसे खास तौर से अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके चार कंपोनेंट हैं, तो आप उसके चार पाँच कंपोनेंट लिख सकते हैं। और पेपर को ज़्यादातर एक बार फैक्चुअल लिखिए, ठीक है, फैक्ट लिखिए, फैक्ट ज़्यादातर लिखिए, और आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं इस आंसर को लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मौसमी पलायन, तो मौसमी पलायन जब होता है, जब धान काट रहे जिस समय, उस समय लोग पलायन करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, कोई नाम आ गया, कोई डेट आ गई, तो उसको ऐसे आप या लाइन लगा दीजिए इस प्रकार से, या आप इसको सर्कल कर दीजिए जो चीज़ लिख रहे हैं, ताकि, या जैसे मान लीजिए इन्होंने लिखा मौसमी, यहाँ पर लाइन लगा दिया, तो जो चीज़ें मान लो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है, डेट है, तो नीचे ऐसे ऐसे लाइन लगा दी, ब्लैक पेन से लगा दीजिए, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं लगाने से, खासतौर से अगर मैं बताऊँ, ठीक है। तो हेडिंग वाइज ही लिखना है, ठीक है, जैसे इन्होंने हेडिंग वाइज लिख रखा है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से इनका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक तो मैं एक बात बताइए, आप यहाँ पर लिखिए इसको, इतना छोड़ने का मतलब मत कीजिए, इन चीज़ों को मत छोड़िए इतना, ठीक है, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसीलिए इस पेपर में 64 मार्क्स आए। वैसे अगर मैं बात करूँ तो इस पेपर में और भी मार्क्स आते, कम से कम इसमें 70 या 75 मार्क्स इसमें मिलने चाहिए था आंसर शीट में, लेकिन इनकी गलती क्या है मैं बता भी देता हूँ कि इतना इधर मत छोड़िए, पहली बात आपको, और ए लाइन छोड़ छोड़ कर बहुत चीज़ों को मत लिखिए भूमिका को, ठीक है। आपने भूमिका लिखा, भूमिका लिखने के बाद आंसर यहीं स्टार्ट होगा पहली बात में, ठीक है। दूसरा, आपने डायग्राम जो बना, बिल्कुल सही बता भाई, डायग्राम बनाने के बाद ये तीन लाइनें कहाँ जा रही हैं बताइए, ऐसे लाइन मत छोड़िएगा कोई भी चीज़, ठीक है। ऐसा मत करो कि ऐसा लगे कि तुम जान बूझ करके लाइन छोड़ रहे हो, ठीक है, या जान करके कॉपी भरने के लिए, पन्ने भरने के लिए दूर दूर लिख लो, ऐसा बिल्कुल मत लिखना। मेरे पास अभी एक आंसर शीट पड़ी हुई है, उस लड़के ने जानबूझ करके एक लाइन में चार ही अक्षर लिख रहा था, ठीक है, एक लाइन में चार वर्ड लिख रहा था। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बताऊं, जैसे मानव विकास सूचकांक, तीन ही लाइन, तीन चार वर्ड लिख रहा था। तो इस प्रकार से आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में मत लिखना कि आप लाइन छोड़ छोड़ करके लिख रहे हैं और दूर दूर लिख रहे हैं जानबूझ करके, ताकि एग्ज़ामिनर को ऐसा ना लगे कि आप बहुत दूर लिख रहे हैं सिर्फ पेज भरने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन मत छोड़िए। जैसे देखो, इन्होंने जो पेपर लिखा है काफ़ी सही लिखा है, ठीक है, बट इसमें कुछ गलतियाँ, एक लाइनिंग मत लीजिए यहाँ पर, कोई लाइन मत लेगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे इनकी मैं कुछ बताऊँ इन्होंने क्या कर रखा है, हेडिंग वाइज तो बिल्कुल सही कर रखा, अरे एक हेडिंग आपकी यहाँ से समाप्त हो रही थी, दूसरा स्वास्थ्य यहीं से शुरू स्टार्ट कर रही है, ठीक है, इतना छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसी से नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो आपने केरल मॉडल की आलोचना स्टार्ट किया, पहली लाइन पे लिखे कोरम मॉडल की आलोचना लिख दी, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको लिखने का, ठीक है, इतना छोड़ छोड़ के मत लिखो, क्योंकि इसे नेगेटिव निष्कर्ष आपने सिर्फ इसमें लिख रखा है। देखो, किसी भी आंसर को अगर आप लिख रहे हैं तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर लिखे, सभी में निष्कर्ष लिखो। ये 13 मार्क्स आपको इसीलिए मिल गया, हर सब 13 मार्क्स मिला है, 13 नंबर मिले, 20 में से 13 में से 20 मिला है, तो भाई 13 में से 15 नंबर आपको तभी मिल पाएगा जब आप निष्कर्ष सभी में लिखे, ठीक है। आपने सभी में निष्कर्ष लिखा नहीं है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अटैम्प्ट कर रखा, अगर आप देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले वाले द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए, चलो आया यहाँ पर आपने भूमिका लिखी, बिल्कुल जैसे इन्होंने लिख रखा, लिखना ऐसे है बस, जो जो चीज़ें मैं इनकी गलतियाँ बता रहा हूँ वही ठीक। यहाँ पर आपने डायग्राम बिल्कुल सही बना रखा है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, ठीक है।
दिखा देता हूँ आप सबको इस प्रकार से डायग्राम, जैसे खास तौर से संघातमक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था को एक्सप्लेन करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने जैसे संघातमक संविधान लिया, संघातमक व्यवस्था में का जो आप बता रहे हैं लिखित संविधान होती है कठोर लचीला, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से आपको भी हेडिंग बना बना करके जैसे इन्होंने लिख रखा ना, अरे आपने जैसे पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लिख रखा है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोग लिखे, हेडिंग बना करके लिखो। हेडिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, हेडिंग को 5-6 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया, तो कितना पेज लिखा, एक पेज लिखा, दो पेज लिखा, तीन पेज लिखा। तो भाई तीन पेज कोई नहीं लिखेगा एग्ज़ाम में, कम से कम 4-5 पेज लिखना। कितना, 4-5 पेज लिखना है पेपर में, इससे कम कोई नहीं लिखेगा। दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इनका गिन के बताया ना, तो 4-5 पेज लिखे, तीन पेज मत लिखो, इसीलिए मार्क्स कम आएगा। इन्होंने लिखा बिल्कुल सही है, जैसे मैं बताता हूँ लिखने का वैसा ही कर रखा है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, ठीक है, अपने क्वेश्चन भूमिका आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, हर चीज़ हर क्वेश्चन में भूमिका, हेडिंग, पॉइंट और इनके साथ बनाइए, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिए, जैसे इन्होंने लिख रखा है एक पेज, दूसरा पेज, और हेडिंग देखो हर चीज़ में हेडिंग ले रखी है ना, तो इसी प्रकार से आपको भी हर पेज, और ये लाइनिंग वाला मत खींचो, मैं बता देता हूँ इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या होता कि बच्चे लाइन खींच लेते हैं, इधर तो है, इधर तो चलो ठीक है, इधर मत लीजिए, ठीक है, आप वैसे थोड़ा हल्का छोड़ दे रहे हैं कोई बात नहीं, तो लाइन मत लीजिए, मेरा पर्सनली आपसे कहना ही लाइन मत लीजिए, ठीक है, कोई भी। इसी प्रकार से यहाँ से जैसे आपने यहाँ पर टेबल बना रखा है, जैसे इन्होंने टेबल बना रखा है, टेबल बहुत अच्छी बात है, आप अपने एग्ज़ाम में टेबल बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके, फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे सपोज करो जैसे इन्होंने ऐसे 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 करके फ्लो चार्ट बना दिया, तो इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि मुझे बताना है संघातमक व्यवस्था, संघातमक व्यवस्था, ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें अलग अलग पॉइंट, तो यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से भी आप फ्लो चार्ट आप उसको बना सकते हो। डायग्राम बनाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे इन्होंने बना रखा इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है, खासतौर से टेबल, निष्कर्ष यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, अरे निष्कर्ष यहाँ पर आ गया, फिर क्वेश्चन कैसे, समाजीकरण आप लिख रहे हैं ना, तो इसको भी सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोबारा निष्कर्ष आ रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब उल्टा उल्टा भी कई बार इन्होंने लिख दिया है, तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। देखो इन्होंने लिखा जैसा है इसे बिल्कुल लिखिए, और जब मैं बता रहा हूँ चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, ये लिखना ऐसे है बस, इनकी जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को आप मत कीजिएगा, और डेफिनेटली क्या इनको 64 मार्क्स आया है, अगर आप ऐसे जब मैं बता रहा हूँ गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपका 84 भी आ सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, और खास तौर से ग्रेजुएशन में तो आ ही सकता है, बीए ऑनर्स में आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस की, चाहे पॉलिटिकल की पेपर हो, चाहे हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, लगभग आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने सारी चीज़ें आप बेहतर लिखिए, ठीक है, मुझे लगता फ़ोटो कॉपी में दिक्कत है, पेज इधर उधर इन्होंने कर रखा है, इस कारण से हो रहा है, पेज नंबर 22 तक इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप ऐसी प्रकार से लिखिए, और एक आंसर को कम से कम 4-5 पेज में लिखना, इस बात को ध्यान में रखिए। भूमिका शुरू में लिखना है, निष्कर्ष बाद में लिखना है, बीच में हेडिंग वेडिंग सारी लिखनी है, और हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाने के कई तरीके, जैसे यहाँ लिख दिया तो ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ करके इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, इस तरह से पिलर वाला भी डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से होता नहीं, जैसे मान लो कि यहाँ एक चीज़ लिख दिया, यहाँ एक चीज़ लिख दिया, तो यहाँ एक चीज़, इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा ऐसे ऐसे लगा करके इस प्रकार से, तो इन्होंने बना ही रखा, इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो कई प्रकार के तरीके हैं, या इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया, कई प्रकार के तरीके हैं, इस प्रकार से जितने तरीके हैं उस प्रकार से आप डायग्राम, फ्लो चार्ट इस प्रकार से बना सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी आंसर शीट दिखा रखी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आप वो सारी वीडियो जाकर के आप चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखें, इनका 64 आया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप और अच्छा करेंगे तो इनसे भी ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। वैसे जो मैं बताता हूँ इस लड़की ने लगभग सही लिख रखा है, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा लिखिए ताकि आप सब, इनका 64 आया तो आपका शायद 80+ मार्क्स आएगा, 100% आएगा, और अच्छे से लिखिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।